अगर हम पपीता की खेती की बात करते हैं तो झारखंड के हर जिले में ये पपीता की खेती हो सकती है। हमारी यहाँ की जलवायु, यहाँ की मिट्टी उपयुक्त है पपीता की खेती करने के लिए। किसी भी फसल के उत्पादन के लिए भूमि का चुनाव एक आवश्यक शर्त है। पपीता की खेती के लिए ऐसी भूमि का चुनाव करें जहाँ जल जमाव ना हो। जल जमाव वाली भूमि में पपीता की खेती संभव नहीं है। तो लगाने का उपयुक्त समय आप फरवरी मार्च के बाद से लगाना शुरू कर सकते हैं और इसको जुलाई तक लगा सकते हैं। ठंडा के समय जनरली पपीता को नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ठंड के समय पपीता का ग्रोथ नहीं होता है और मरने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जो किसान भाई इसका लाभ लेना चाहते हैं तो वो मार्च से ही पपीता को लगाना शुरू कर सकते हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्च में पानी की कमी रहती है किसानों के यहाँ पे, तो जहाँ पे पानी की सुविधा है वहीं पे पपीता को लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें पपीता को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो पपीता को अमूमन हम 2 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, पौधे से पौधे भी 2 मीटर होगा और आपका एक जो पंक्तियाँ हैं उनके बीच की भी 2 मीटर की दूरी रहती है। उसी के साथ में जो गड्ढा आपको खोदना होगा 2-2 मीटर की दूरी पे, उसका आकार लगभग 2 फीट होना चाहिए ताकि पौधे की जड़ें उसमें आसानी से फैल पाए। और आप गड्ढा खोदने के बाद में और उसमें जो मिट्टी निकलेगी बाहर, उसके अंदर आपको कुछ पोषक तत्व का मिलाना होगा जिससे कि उसकी हम उर्वरता क्षमता को बढ़ा सकें। तो पौधा लगाने के लिए आपको पहले नर्सरी तैयार करना होगा, क्योंकि इसका बीज हम डायरेक्ट खेत में नहीं लगा सकते। तो आपको 1 महीना पहले नर्सरी शुरू करना होगा। बीज को आपको पोटरे के अंदर या पॉलीथीन के अंदर लगाना होगा और उस लगभग आपका जो अंकुरण है वो 12 से 15 दिन में आ जाता है। और अंकुरण के बाद में लगभग 25 से 30 दिन पौधा को बड़ा होने में लगता है। तो उसके बाद लगभग 1 से 1.5 फीट का पौधा आप खेत में लगा सकते हैं। उसी के साथ में अभी मार्केट में बहुत सारी हाइब्रिड किस्में भी आ गई हैं जिसको आप लोग लगा सकते हैं। हाइब्रिड किस्म का फ़ायदा ये है कि इसमें सभी पेड़ में आपका मादा फूल आएगा और थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि कमी ये है कि इसमें आपको रख रखाव थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो बीमारी है कीड़े हैं बहुत जल्दी लगते हैं। तो किसान भाई अगर उचित प्रबंधन करते हैं तो इसमें आप कीड़ा बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं। और प्राइवेट कंपनी की वैरायटीज़ कुछ है, जैसे आपका नोनो सीड्स की रेड लेडी जो आता है, पिंक कलर का उसका फ्लैश रहता है, उसको लगा सकते हैं। क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर हम देखते हैं किसान लोग और जो वेंडर्स हैं, रेड लेडी का ही ज़्यादा स्कोप लगता है, क्योंकि उसकी रखरखाव क्षमता, फल का आकार, फल की मिठास, फल का जो गूदे का कलर है, वो सभी जो खाने वाले हैं उनके प्रेफरेंस का होता है। तो रेड लेडी को लगाया जा सकता है। काफ़ी लोग झारखंड में जो कमर्शियल रूप में जो खेती कर रहे हैं, रेड लेडी का यहाँ पे किया जा रहा है। पौधा लगाने के बाद 1 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें ताकि मिट्टी की नमी बनी रहे। पपीता के पौधों को लगाने के बाद हर महीने इसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन करना है, जिसमें यूरिया, DAP, पोटाश और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल हैं। पोषक तत्वों की मात्रा पौधे की उम्र और बढ़वार के आधार पर कृषि वैज्ञानिक की अनुशंसा के अनुसार करें। और कई बार हम स्प्रे का भी इसमें रिकमेंडेशन करते हैं, खास करके जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिसमें बोरॉन और जिंक है, तो इसका 0.3% का, दैट मीन्स आपको 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर हर महीना फूल आने के बाद आपको हर महीना छिड़काव करना है, जिससे कि आपके फूल नहीं झड़ेंगे, फल का आकार अच्छा बनेगा और फल की मिठास बढ़ेगी।